ग्राम समाज यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा कैसे होता है? आपके पास भूमि के कागज हैं लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है, इसे कैसे खाली करवाया जा सकता है? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर आप भूमि का पट्टा, आवासीय पट्टा कैसे ले सकते हैं या फिर कृषि का पट्टा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करें। अभी अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं और वहाँ पर आपके पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं है, या फिर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की योजनाएँ आती रहती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उस योजना को लेने के लिए आपके पास भूमि का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर होते हैं कि जिन लोगों के पास आवासीय भूमि की ज़मीन नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए एक हिसाब से तो उन लोगों को तो वो प्रधानमंत्री आवास के पात्र होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास भी यही सिचुएशन है, आपके पास भी भूमिहीन है, आपके पास इस प्रकार का कोई पट्टा नहीं हुआ है, तो आपको कैसे ग्राम पंचायत में इस पट्टे के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि पट्टा उन लोगों को नहीं होता है जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, और पट्टा आवासीय पहले अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को हुआ है तो भी आपको पट्टा नहीं होगा। अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है या फिर उसे पेंशन मिलती है तो भी आपको पट्टा नहीं होगा। अगर आपके परिवार का कोई भी ग्राम पंचायत का सदस्य है, आपके परिवार का ग्राम प्रधान है, तो भी आप इस प्रकार के आवंटन में भाग नहीं ले सकते हैं। एक तो होता है सरकारी पट्टा, दूसरा होता है आवंटी पट्टा। सरकारी पट्टा क्या होता है कि सरकार की ओर से ऐसे लोगों को ऐसे पट्टे दिए जाते हैं जो यानी सेना में घायल हुए हों या फिर बॉर्डर पर किसी प्रकार से वो व्यक्ति घायल हुआ हो, इस प्रकार के पट्टे सरकार भी देती है, उसे कहा जाता है सरकारी पट्टा। लेकिन जो आवंटी पट्टा होता है वो पट्टा ऐसा होता है गांव के अंदर इस प्रकार के लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है कि उन लोगों के पास जमीन नहीं है आवासीय पट्टे की, और लेकिन वो प्रधानमंत्री आवासीय पट्टे के यानी के उसके अंदर पात्र व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत के अंदर इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास होता है जिसे ग्राम प्रधान और सदस्य मिलकर प्रस्ताव को पास करते हैं, और वहाँ पर सबसे पहले इस बात की जानकारी करते हैं वो लोग कि गांव के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है जहाँ पर गरीब लोगों को आवास के पट्टे दिए जाएँ। ऐसी भूमि को चिन्हित करने के बाद गाँव के अंदर एक सभा होती है और उस सभा में पूरे गाँव को बुलाया जाता है और उन लोगों के पात्र व्यक्तियों के नाम पेश किए जाते हैं। अगर उन नामों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो आपत्ति में ऐसे नामों को हटा दिया जाता है। उसके बाद गांव का लेखपाल भी उस भूमि प्रबंधक समिति का ही यानी कि एक अधिकारी होता है जिसे ये पावर होती है कि वो पट्टे के आवंटित के समय वहीं पर रहता है और भूमि को सही तरीके से लोगों को आवंटित करने का काम लेखपाल का ही होता है। गाँव के अंदर किस प्रकार की भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, चाहे आवासीय पट्टे पर चाहे कृषि भूमि के पट्टे पर, इस भूमि को चिन्हित केवल ग्राम का जो लेखपाल होता है वही करता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है कि जिन लोगों के नाम यानी प्रस्तावित हो जाते हैं तो उनकी एक कॉपी प्रस्ताव की उपजिला अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेज दी जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में पहले भी बताया है कि पट्टा करने का अधिकार केवल कलेक्टर को होता है और कलेक्टर इस बात की जांच भी करता है कहीं इस प्रस्ताव के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं हैं जो अपात्र हैं या उनके परिवार के व्यक्ति कोई सदस्य ग्राम प्रधान से है, परिवार से है, या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य से है, या फिर उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, ये वगैरह वगैरह की जांच सब कलेक्टर उप जिला अधिकारी के माध्यम से होती है। 30 दिन का एक समय दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर आप लोगों को लगता है कि फला आदमी के नाम से पट्टा होने जा रहा है तो आप उस व्यक्ति की शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद उस व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यही है होती है जो कि आपको कृषि भूमि के पट्टे के लिए भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वहाँ पर पट्टा कृषि भूमि के लिए उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गांव के अंदर रहते हैं और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, यानी कि इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सभी आते हैं।
अगर आप कभी इसी प्रकार आपके पास नहीं है कोई इस प्रकार की भूमि, तो आप ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के आवंटन में भाग ले सकते हैं। जो शर्तें मैंने बताई हैं, इन शर्तों को आपको देख लेना है कि आप क्या इन शर्तों के सही दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन के आपके पास कागज़ हैं लेकिन आपका कब्जा नहीं है। पहले तो आपको बता दूँ, भले ही आपकी ज़मीन नाम हो, आपकी ज़मीन के नाम आपकी भूमि के ऊपर नाम हो, लेकिन अगर भूमि कब्जे में नहीं है तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अगर जिस भूमि पर आपका नाम है तो उस भूमि पर आपका कब्जा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कब्जा नहीं है और नाम है तो आप इससे उस भूमि को वापस नहीं पा सकते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि न्यायालय में विवाद को लड़ते लड़ते, लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी सेपरेट वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर बना भी रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का पट्टा लेने का इरादा है या फिर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।